गुड मॉर्निंग ऑल, मैं मोनिका मेहता साइंस मिस्टर सच थोनू करा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन की हुंदा हैगा, जदों लाइट संघने तो विरले माध्यम च जाती हैगी है, मोर डेंसर टू रेयर मीडियम च आएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्योंकि ये वेवलेंथ की है ये घट जाती हैगी है। डेंसर मीडियम च यदि वेवलेंथ की है घट स्लो चलेगी, और रेयर मीडियम च लाइट की है फास्ट चलेगी। ड्यू टू वेवलेंथ यदि वेवलेंथ चेंज हो जाती है, दैट्स वाई इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल व्हेन द लाइट गोज़ फ्रॉम डेंसर टू रेयर। मीन संघने तो विरले माध्यम च जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल एंड रिवर्स इज ऑल्सो पॉसीबल। यू कैन सी कि लाइट जड़ी हैगी है जिमें जिमें इंसीडेंट एंगल बढ़ रहा है। अगेन यू कैन सी दिस कि जिस तरह इंसीडेंट एंगल घटता जा रहा है तो रिफ्रैक्शन हो रही हैगी है लाइट दी, ठीक है, इंसीडेंट रिफ्रैक्शन। तो जदों यह बिल्कुल नॉर्मल ते आ जाती है उस तो बाद रिफ्लैक्शन शुरू हो जाती है, तो उस टाइम इस इंसीडेंट एंगल नूं की कहने असी क्रिटिकल एंगल कहांगे। सेम मीडियम च वापस आना उन्हों रिफ्लैक्शन कहने, बेंडिंग ऑफ द लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन वैन द लाइट कम्स फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम। यू कैन अगेन सी विद द डायग्राम कि इंसीडेंट लाइट किधर जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, एक मीडियम तो दूसरे मीडियम जा रही है, एयर टू वाटर जा रही हैगी है, तो वाटर की डेंसिटी क्या है ज़्यादा है, ये स्पीड क्या हो जाती हैगी है लैस हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, दैट्स वाई तो यह नॉर्मल दे कन्नी बेंड कर रही हैगी है। अगेन यू कैन सी कि वेवलेंथ मीडियम वन च दी, मीडियम वन विद हाई वेव स्पीड ज़्यादा स्पीड नाल चल रहे हैं, मीडियम वन रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम च दी स्पीड की होगी लो हो जाती है, तो वेवलेंथ की है घट जाती हैगी है। थीटा वन इज एंगल ऑफ इंसीडेंट, तो थीटा टू की है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहांगे। थीटा टू की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज लैस दैन इंसीडेंट एंगल, ठीक है, तो यह असी दिखा सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स जा इन द वाटर। यू कैन से इस रिफ्रैक्शन असी आ जिन्ना असी इंसीडेंट एंगल वधा रहे हैं, यू कैन सी तो रिफ्रैक्टिव एंगल की है घट रहा है, इंसीडेंस एंगल नू घटा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल की है घट रहा है। ये एक ग्लास की प्रिजम लई हैगी है, तुसी ग्लास लैब है, ठीक, इंसीडेंट एंगल नू चेंज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है, जिमें जिमें इंसीडेंस एंगल बढ़ रहा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ रहा, रिफ्रैक्टिव एंगल भी बढ़ रहा, इधर रिफ्लैक्शन भी हो रही है और रिफ्रैक्शन भी हो रही है, क्योंकि लाइट की है रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। दिस वे यू कैन डू दी एक्सपेरिमेंट, दिस अगेन शो कि इंसीडेंट लाइट जो नॉर्मल ते फॉल कर दी, इट विल बेंड फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, एंड वैन इट लाइट कम्स फ्रॉम दी ग्लास टू एयर, तो यह की है बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, रेयर टू डेंसर है बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही हैगी है तो लाइट विल रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, दिस इज नोन एज दी रिफ्रैक्शन। एक्चुअली ये पाथ की हो गया डेविएट हो गया, ठीक है, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसीडेंट विल बी इक्वल टू दी एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक है, दिस यू कैन मैथमेटिकली ऑल्सो प्रूव। देखते हैं असी हूँ दोबारा कि एयर टू ग्लास गई, तो रेयर टू डेंसर गई, इट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, दैन फ्रॉम ग्लास टू एयर इट विल गो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। दिस विद लेजर यू कैन ऑल्सो सी दी चेंज ऑफ पाथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है, लाइट जड़ी है रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही हैगी है, इस एक्सपेरिमेंट नू असी इस तरह भी कर सकते हैं।
असी अलग अलग लेयर्स बनाईया है एयर ऑयल ते वाटर दी। एयर तो होएगी नैचुरली तो थोड़ी जड़ी एक स्टिक डिप कर दे है, इट विल अपीयर्स टू बी ठीक है ब्रोकन नज़र आएगी क्योंकि दिस इज़ आल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जो लाइट मतलब रेयर टू डेंसर जाती है तो वह ड्यू टू रिफ्रैक्शन स्टिक जो है टुटी हुई नज़र आएगी। तुसी देख सकते हो जड़ी एक्सपेरिमेंट वन असी केड़ा किता है अलग अलग लेयर्स लैके, दैन इनविजिबिलिटी वाला एक्सपेरिमेंट ठीक, विजिबिलिटी ऑफ द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और इदा दे कई एक्सपेरिमेंट करके तुसी दिखा सकते हैगे हो। ये है इंसीडेंट लाइट और रिफ्रैक्टर लाइट ठीक है, रिफ्लैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टड एंगल ऑफ इंसीडेंट तो रिफ्रैक्टड एंगल, तो इस तरह तुसी इनू देख सकते हो। बाय स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी लैस डैप्थ, उहदी डैप्थ घट नज़र आती है। जो एक पानी के टैंक के सिक्का रखा है तो वह क्यों पानी की लेयर क्या है डेंसर है, तो लाइट की है डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी। देखो किमें हो रहा है, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट सानू अपीयर की होंगी है कि लाइट विल कम फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट्स वाई द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल और क्वाइंस क्वाइन विल अपीयर अपरेंट, जिहड़ी डेप्थ है वह की है घट है, एक्चुअल डेप्थ की होंगी है ज़्यादा होंगी है। तो इदा तुसी इनू एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो कि क्वाइंस जिहड़ा है मतलब डेप्थ की है घट नज़र आएगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये वाटर एंड ऑयल लिया है तो स्टिक जो सीधी खड़ी है तो यह रिफ्रैक्शन दे करके ये टुटी हुई नज़र आती हैगी, स्टिक या पेंसिल वगैरह तुसी लई हैगी है तो दैट विल अपीयर्स टू बी ब्रोकन इन द ग्लास, अपीयर्स टू बी ब्रोकन इन द ग्लास। रिफ्रैक्शन का तुसी फिनोमिना ड्यू टू दैट द वाइट लाइट विल बी ब्रोकन इन टू सैवन कलर, केड़े विब ग्योर वायलेट इंडिगो ब्ल्यू ग्रीन येलो ओरेंज एंड रेड। प्रिजम इज़ आल्सो ए मेड फ्रॉम ग्लास द डेंसर मीडियम है, तो यह सारे कलर्स की जड़ी हैगी है वेवलेंथ क्या है अलग अलग होंगी है, इस करके जो सैवन कलर च टुट जाती है लाइट। अगर दो प्रिजम्स इदा रखिए तो दे विल एक्ट लाइक ए ग्लास स्लैब, तो इन्हों जो है बाहर इंसीडेंट रेडिएशन केड़ी है वाइट लाइट दैट विल स्प्लिट टू सैवन कलर, अगेन सैवन कलर ज्वाइन टू फॉर्म दी वाइट लाइट, इमरजेंट लाइट केड़ी होएगी वाइट ही होएगी। कई आफ्टर रेन जो ड्रॉप्स ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं दे आल्सो बाय द रेनबो फॉर्म, जड़िया इन ए भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस और हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ होएगी जिस करके रेनबो प्रोड्यूस होंगी है, दे विल एक्ट लाइक द प्रिजम और वाइट लाइट विल स्प्लिट इन टू सैवन कलर, दैट्स वाई रेनबो इज फॉर्मड इन द स्काई। यू कैन सी ईजली दिस इज़ द न्यूटन डिस्क, दिस शोज की लाइट इज फॉर्मड फ्रॉम सैवन कलर, वाइट वाइट लाइट इज मेड फ्रॉम द सैवन कलर। वी कैन मेड इट टेक ए डिस्क एंड पेंट पेंट विद द सैवन प्राइमरी कलर प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स, दैन वैन वी रोटेट इट इट अपीयर्स टू बी वाइट इन कलर, दिस शोज की वाइट लाइट इज मेड फ्रॉम सैवन कलर, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ द सैवन कलर। केड़े सैवन कलर्स है साडा रेडिएशन्स इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स का सब तो वध कॉस्मिक रेज की जड़ी हैगी है वेवलेंथ घट हुंदी है पर एनर्जी की है ज़्यादा हुंदी है, रेड दी इधरों वेवलेंथ वध है एनर्जी की है घट हैगी है। यू कैन सी विब ग्योर ठीक है अल्ट्रावायलेट तो बाद विजिबल रेंज आता है वायलेट ब्ल्यू ग्रीन येलो ओरेंज ते रेड, तो इदा वेवलेंथ चेंज हुंदी है इन्हां दी लैफ्ट टू राइट। वाई द स्काई अपीयर्स टू बी ब्ल्यू, ब्ल्यू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा हुंदी है तो करके डे टाइम जो है स्काई अपीयर्स टू बी ब्ल्यू ड्यू टू रिफ्रैक्शन और यू कैन से ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द ब्ल्यू कलर, यदि वेवलेंथ की है घट होएगी। नाउ कम टू द लेंजेस,
what are the lenses. In this also refraction takes place. That's why we are doing this next to the refraction topic through the glass slab or the prism. Now you can see how the lens are made. From the, if the outer surface of a sphere is taken, then it will form the concave and concave lens. And if the this like ठीक है जिस तरह इस दिखाया इदा अं एक सफेयर का पट लीए तो वह की है एक कन्वैक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा. तो दो तरह के लेंस होंगे है कनकेव तो कन्वैक्स. नाउ सी द डायग्राम हेयर द साइन कन्वेंशनस आर देयर द पैरेलल लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस. If light comes to the parallel, that it will converge at the focus. This lens is also known as converging lens, uttar lens. Enu converging lens bhi kehne ha. The light ki hai sari converge ho rahi hai at the focus. F you can use it for making convergence. You can see now the object is placed at C. Here the sign convention, what sign convention we have taken, again we can do ki object is placed at C and the parallel light passes through the focus F. The rays that passes through the optical center will come back. As such the image formed where the two rays meet. You can see कि रियल इनवर्टड ते सेम साइज का इमेज एट दी सेंटर ऑफ करवेचर फॉर्म हो रहा है. सेम तुसी ठीक है होर कर सकते है वैन द ऑबजैक्ट इज एट सी. दिस वी हैव डन वैन द ऑबजैक्ट ब्रिंग जिमें जिमें ऑबजैक्ट नू असी लेंस के नज़दीक लिया इमेज की है दूर जा रहा है ते पर फोकस ते ऑप्टिकल सेंटर दे विच जदों इमेज आता है ऑब्जेक्ट प्लेस की जाती है तो इमेज सेम साइड ते बन रहा वर्चुअल बन रहा ते लार्ज साइज का ठीक है. ए एट द वेरियस पोजिशन असी दिखाया है ऑब्जेक्ट तो इमेज की है शिफ्ट कर रहा पर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ ते इनवर्टड ते रिएक्ट इमेज बन रहा. बाकी सारी पोजिशन से रियल ते इनवर्टड इमेज बन रहे हैं. दीज आर डिफरेंट पोजिशंस ठीक है ऑन द सी बिटवीन सी एंड एफ. यू कैन ईजली ऑब्जर्व इफ यू समवट नो द टॉपिक. अगेन वी कैन सी कि वैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर हाउ द इमेज विल फॉर्म. इट इमेज जो है वर्चुअल बनेगा लार्ज साइज का बनेगा और इरेक्ट बनेगा. फस्ट एक रे जड़ी पैरेलल जा रही हैगी है वह फोकस एफ चो पास होगी. जड़ी रे फोकस चो जा रही है वह की हो जाएगी पैरेलल. दीज आर द साइन कन्वेंशन एंड द थर्ड रे दैट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल नॉट दैट विल कम बैक. तो यह रेज कित भी नहीं मिल रही हैं पर असी अगर इमेजिनेशन करिए तो इट अपीयर्स टू बी कम ठीक है मीट एट द पॉइंट. तो एक्चुअल च नहीं मीट कर रही हैं रेज अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम. तो इतने वर्चुअल इमेज बनेगा. यू कैन अगेन एंड अगेन सी द डायग्राम क्लीयरली वर्चुअल इरेक्ट तो लार्ज साइज का इमेज बनता ता करके कन्वैक्स लेंस नू छोटियां चीज़ां मैगनीफाई ग्लास के तौर पर वडदर्शी लेंस के तौर पर इनू यूज़ किया जाता है. पैरेलल लाइट फोकस चो निकल गई जो लाइट फोकस चो पास हो रही है पैरेलल होगी. जो ऑप्टिकल सेंटर चो थर्ड रे पास हो रही है वह उवी वापस आ गई. जदों पिछे वधा के देखते हैं असी तो इमेज सानू की है कितने नज़र आ रहा वर्चुअल इरेक्ट लार्ज साइज का. इस करके एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप मैगनीफाई ग्लास वडदर्शी लेंस के तौर पर कन्वैक्स लेंस न यूज़ किया जाता है. होप सो यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. नाउ असी कनकेव लेंस का करते हैं. दिस इज़ नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस. एदिया भी दो तीन स्लाइड्स थ्रू असी करांगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड टॉपिक क्लीयरली. इनू डाइवर्जिंग लेंस कहने क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा यदि फोकल लेंथ क्या होएगी नेगेटिव होएगी. वर्चुअल फोकस है ठीक है जो एक्चुअली जो फोकस नहीं हो रही है इट अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम द फोकस ठीक है. पैरेलल लाइट क्या है डाइवर्ज हो रही है इस करके इसनों असी टॉर्च वगैरह के हेडलाइटा के यूज़ कर सकते हैं
टू गैट डाइवर्जन डाइवर्जेंट लाइट वाइड व्यू देखने लई ठीक दिस इज़ द कनकेव लेंस एंड यूजस आल्सो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम नाउ सी जो लाइट पैरलल आ रही हैगी है पैरलल रे ठीक है दिस इज़ द कनकेव लेंस नाउ सी रे ट्रेसिंग ठीक है फर्स्ट जो हॉरिजेंटल रे की हो जाएगी डाइवर्ज हो जाएगी ठीक है इट विल बेंड आउटवर्ड मीन्स डाइवर्ज होगी बट इट अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम द फोकस एफ दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड तो इनू वर्चुअल फोकस कहेंगे ठीक और जो रे सेंटर चो ऑप्टिकल सेंटर चो पास हो रही है वो एस च वापस ही आ जाएगी ठीक है क्योंकि ये 90 का आई थिंक एंगल बनाती है इस करके जो रे दी रे और जो रे फोकस चो निकल रही है वो की हो जाएगी पैरलल ठीक है दीज आर दी साइन कन्वेंशनस नाउ वी विल यूज दी पैरलल लाइट किधर जा रही हैगी है डाइवर्ज हो रही है इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दी फोकस और एक रे जड़ी ऑप्टिकल सेंटर चो पास हो रही है तो वो वापस आ गई और जो फोकस चो पास हो रही है वो की हो जाएगी पैरलल हो जाएगी तो दे आर नॉट मीटिंग एनी वेयर ठीक है कित भी इंटरसैक्ट नहीं कर रही हैं पर अगर असी इमेजिनेशन करिए दे आर कि मीटिंग तो इतने की है एक वर्चुअल इमेज बन जाता है समॉल साइज का तो छोटा समॉल साइज इरैक्ट वर्चुअल इमेज बनेगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन दैट्स वाई कनकेव लेंस इज यूज फॉर सीइंग वाइड मतलब कनकेव लेंस नू असी कित्थे यूज कर सकते हैं छोटा इस जो है छोटिया चीज़ा नज़र आती है ठीक दिस आल्सो क्लीयरली जदों जदों ऑब्जेक्ट की है टूवर्ड्स दी लेंस आ रही हैगी इमेज भी लेंस से करनी शिफ्ट कर रहा है सेम साइड पर बन रहा थोड़ा साइज भी ज़्यादा हो रहा तो यदिया किसी भी पोजिशन पर सेम ही रिजल्ट आ रहा है एट एनी पोजिशन यू कैन से कि इमेज छोटा है वर्चुअल है इरैक्ट साइज है इमेज पर सेम साइड पर बन रहा जिधर ऑब्जेक्ट हैगी है दिस वे यू कैन सी द रिजल्ट ठीक ऑलवेज ऑलवेज सेम ही रिजल्ट है वर्चुअल इरैक्ट और सेम साइड पर रियल साइड पर बन रहा है नाउ यह कनवैक्स लेंस च भी एज द ऑब्जेक्ट कम्स नियर टू द लेंस तो इमेज की हो रहा वड्डा हो रहा तो नज़दीक पहला दूर जा रहा फिर इमेज की है वड्डा बन रहा है नाउ कम टू द आई दिस इज़ द नॉर्मल आई बिफोर डूइंग इट वी हैव टू डू द स्ट्रक्चर पर चलो कोई गल नहीं मायोपिया ते हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया नू असी शॉर्ट साइटडनेस कहने नेड़े दी निगाह ठीक हुंदी है दूर दी चीज़ां नहीं दिखदियां इस टॉपिक नू करन तो पहला असी आई दी स्ट्रक्चर करदे आ दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई यू कैन सी द थ्री लेयर्स ठीक सब तो बारली लेयर नू असी की कहने कॉर्निया दैन सेंटर पिंक कलर की जो मैं सेंटा कलर की दिखाई है दैट इज़ सकलीरा सकलीरा कॉर्निया एंड इनर इज रटीना रटीना जड़ी है सेंसिटिव रोड एंड कोन सैलों की बनी होंगी है रोड सैल जड़े है लाइट तो सेंसिटिव होंगे कोन सैल कलर्स सेंसिटिव होंगे है फ्रॉम द हेयर कोराइड ठीक है सिलरी मसल्स राइज हो रहे है कोराइड लेयर तो वो सिलरी मसल्स के करके लेंस की की होंगी है पावर ऑफ अकोमोडेशन होंगी है ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सन रिलैक्सेशन ऑफ द सिलरी मसल द लेंस लेंस विल एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ दैट्स वाई वी कैन सी द नियर बाय और फार बाय ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द लेंस दैट इज़ ड्यू टू सिलरी मस रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सिलेरी मसल लेंस केड़ा होएगा कन्वैक्स लेंस और दिस डिवाइड द सफीयर इंटू टू पार्ट्स आउटर एंड इनर इनर च गाढ़ा विटरस ह्यूमर भरया हों बार की हों एक ह्यूमर पतला द्रव भरया हों और समॉल स्पेस
ਵਿੱਚ ਆਇਰਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਲਰ, ਆਇਰਸ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਕਲਰ ਟੂ ਆਈ ਦੀ, ਵਟ ਈਵਰ ਲੈਫਟ ਇਨ ਦੀ ਆਈ ਜੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਊਪਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਟੀਨਾ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਓਪਨ ਇਨ ਟੂ ਦੀ ਓਪਟੀਕਲ ਨਰਵ, ਦੀਜ਼ ਆਲ ਵਿਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਓਪਟੀਕਲ ਨਰਵ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟੂ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇਮੇਜ, ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਔਰ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਨੀਆ ਔਰ ਰਟੀਨਾ ਲੇਅਰਸ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਸ ਪਿਊਪਿਲ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਦੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਪਿਊਪਿਲ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵਨ। ਨਾਓ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਸਿਲਰੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ, ਵੈਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜਸ। ਠੀਕ, ਇਸ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲੀ ਲੋਡ ਹੋਈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹਾਓ ਦੀ, ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਆਈ, ਵੈਨ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਡਿਫੈਕਟਸ ਵੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਨੋਰਮਲ ਆਈ, ਦੈਨ ਸ਼ੋਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ। ਸ਼ੋਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਦਾ ਮਾਇਓਪੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦੀ ਰਟੀਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਓਪਿਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੋਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਨੂੰ। ਇਸ 'ਚ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਰਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਫੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਨੂੰ ਮਾਇਓਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਓ ਦੀ ਲੌਂਗ ਸਾਈਟਡਨੈਸ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਮੇਜ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ, ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਬਣੇਗਾ ਔਨ ਦੀ ਰਟੀਨਾ। ਲੌਂਗ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ ਨੂੰ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪੀਟ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਟੋਪਿਕ, ਸੋ ਦੈਟ ਟੋਪਿਕ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਬਾਈ ਸੀ। ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਇਮੇਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਨੂੰ ਮਾਇਓਪੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕੁਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲਗਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾਓ ਸੀ ਸ਼ੋਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ, ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਰਟੀਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਲ ਇਮੇਜ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ, ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ, ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਸਾਈਟਡਨੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਈਪਰ ਮੈਟਰੋਪੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਲੌਂਗ ਨੋਰਮਲ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਲੌਂਗ ਸਾਈਟਡਨੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਮੈਟਰੋਪੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਔਨ ਦੀ ਰਟੀਨਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹਾਓ ਦੀ ਡਿਫੈਕਟਸ ਮਾਇਓਪੀਆ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰ ਮੈਟਰੋਪੀਆ ਆਰ ਕਰੈਕਟਡ, ਦੀਜ਼ ਵਰ ਦੀ ਟੂ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਆਈਜ਼, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਲਾਈਟਸ ਆਲਸੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਆਈ, ਹਾਓ ਦੀ ਇਮੇਜ ਫੋਰਮਡ, ਜੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੋਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਟੀਨਾ 'ਤੇ ਫੋਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਫੋਰਮਡ ਓਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਰਟੀਨਾ 'ਤੇ ਇਮੇਜ ਇਨਵਰਟਡ ਫੋਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਦੀ ਆਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਨੀਆ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਰਟੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਵਾਜ ਦੀ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦੀ ਆਈ। another topic is there or not, this was the about the reflection. Now why during the sunset appears, sky appears to be red, the sun appears to be red, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ
इन्हें ग्रेटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी हैगी है लाइट ने फ्रॉम द सन। रेड की जड़ी वेवलेंथ है वह ज़्यादा होएगी ड्यूरिंग द सनसैट तो वो स्कैटरिंग क्या है टेक्स प्लेस द सन लाइट हैज़ फर्दर टू ट्रैवल रीच अवर आइज नियर द ओरिजन बिकॉज रेड लाइट की जड़ी हैगी है मोस्ट लाइकली टू बी स्कैटर्ड बाय जो लाइट है ब्ल्यू लाइट है शॉर्ट वेव लेंथ होंगी है ता करके स्कैटरिंग ज़्यादा होंगी है। एज द डिस्टेंस इनक्रीजस मोस्ट ऑफ द लाइट लैफ्ट अनस्कैटर्ड इज रैड एंड ओरेंज तो अनस्कैटर्ड लाइट कि रह जाती है रैड एंड ओरेंज ठीक है वह नहीं स्कैटर होएगी तो करके सन जो है सानू ओरेंज आ रैड कलर का नज़र आता है। ब्ल्यू लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है स्काई ब्ल्यू नज़र आता है सन तो लाइट जी रैड लाइट है वो वेवलेंथ ज़्यादा है जो यू कैन से कि स्कैटरिंग नहीं होंगी तो सन जो है सनसैट के टाइम रैड नज़र आता वाई स्काई अपीयर्स टू बी ब्ल्यू एंड सनसैट्स आर रैड। सब तो पहला है सन लाइट ज वाइट कलर की होंगी है ये सारे कलर सैवन कलर्स तो मिलकर बनी होंगी है। स्पेस इज स्पेस अपीयर टू बी ब्लैक ठीक है जो क्योंकि उत्थे वैक्यूम होंदा कोई भी मीडियम नहीं होंदा तो स्कैटरिंग नहीं हो होंगी आलमोस्ट रिफ्लैक्शन नहीं होएगी सनलाइट की ता करके स्पेस जो है ब्लैक कलर की नज़र आती है। ब्लू एंड वाइट लाइट इज स्कैटर्ड बाय अर्थ एटमोसफियर ता करके जड़ी हैगी ब्लू लाइट स्काई अपीयर्स टू बी ब्ल्यू सनसैट तो सनराइज के टाइम ठीक क्या होंदा सो ईवन मोर ऑफ द ब्ल्यू लाइट इज स्कैटर्ड एंड विद सम ग्रीन पर रैड लाइट जिसकी स्कैटरिंग नहीं होंगी क्योंकि रैड लाइट की वेवलेंथ की है ज़्यादा इस करके सन जो है रैड नज़र आता है। दिस अगेन स्कैटरिंग ऑफ द ब्ल्यू लाइट ड्यू टू एटमोसफियर एंड वाई द थिंग्स अपीयर टू बी कलर्ड जिमें ग्रीन लीफ है इट विल अबजॉर्ब ऑल कलर्स बट रिफ्लैक्ट द ग्रीन कलर दैट्स वाई इट अपीयर लीफ विल अपीयर द ग्रीन by the white light when it reflect all the color then the surface appears to be white when it reflect one color for example it is reflecting red color the surface will appear red when it absorb all the seven color ta wo surface ki hai black nazar aayega this you can see ke bananas hege hai white yellow light nu reflect kar rahe hai apple hai जड़ी लाइट रिफ्लैक्ट होएगी ओयो कलर सानू नज़र आता है। लीफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू हैव कलर सिंस इट है दे आर एबल टू जो बाकी कलर नू अब्सॉर्ब कर लेगी जो नू जेड़ा भी रिफ्लैक्ट करेगी ओही सानू विजिबल नज़र आएगा। वाई द मिराज अल्यूशन समटाइम वी गो टू द डेजर्ट्स ठीक है जिस तरह दिखाया गया डेजर्ट वाटर नहीं हुंदा पर इट इहदी रिफ्लैक्शन पै रही है जो ट्री हैगा खंजूर दा दिखाया है क्योंकि हॉट इनवायरमेंट होन करके एयर दियाँ जो गर्म हवा उपर उठ जाएगी ठंडी हवा नीचे होएगी तो इदा अलग अलग लेयर्स बन जांदियां तो उन्हां तो लाइट दी रिफ्रैक्शनस हुंदी है तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन उहदा इमेज बन रहा है पर एक जो जा रहा हैगा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਲ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਲੂਸ਼ਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਮਿਰਾਜ ਠੀਕ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵਾਟਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਹੋਟ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਏਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ चलो यू कैन हेयर कि हॉट एयर ते कोल्ड एयर दियाँ अलग अलग लेयर्स बन जांदियां तां करके टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन दे करके जो है मिराज जा इल्यूशन दिस इज़ ऑल अल्यूशन कि पेंसिल इज ब्रोकन बट द पेंसिल इज नॉट ब्रोकन दिस इज़ ड्यू टू लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम द डेंसर टू rarer medium hope so you understand all things sometimes some slides may be missing or some slides not working that's why some problem will occur while recording thank you.